नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है लाइक स्टडी फॉर चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने में मच्छर कम होते हैं क्योंकि, यह इसमें आपका जो सही आंसर होगा 141 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। लार्वा की सांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आगे देखते हैं, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पानी से निकालने के बाद शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए जो होगा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। तो यानी आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी आपका, उसके हाथ में। अगला क्वेश्चन है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण होता है। सुई का जो होता है पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या होता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए जो होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी पृष्ठ तनाव सही आंसर है। आगे देखते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो यानी पृष्ठ तनाव के कारण वह नाचते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उनके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका भी वही कारण है पृष्ठ तनाव। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, साबुन को यदि जल में घोल दिया जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी आपका जो सही आंसर होगा 147 का, तो वह आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। जो संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए, यानी सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अंतरिक्ष में खड़े नहीं रह सकते सीधे, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा 150 का ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे वीडियो के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के पार्ट यदि नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चलने वाले जल सतह की ऊंचाई, आपका जो सही आंसर होगा बी आपका, यानी आधी रह जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आपके श्यानता की इकाई क्या होती है? श्यानता की इकाई यानी विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा आपका ए जो होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा आपका सी जो होगा, कम व्यास वाली केशनली में अधिक द्रव जो होगा चढ़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, लैम्प की बत्ती में तेज चलता है क्योंकि, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका डी जो होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई जो होती है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, इसका जो सही आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? आपका जो आर्किमिडीज का नियम है निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है? तो यानी प्लवन के नियम का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका,
जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है। यह नियम जो होता है यानी सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक यानी आर्किमिडीज जो है उत्प्लावकता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। आपका ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े की न तैरने के कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के से कम होता है। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किए हैं तो, और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।